भारत के टेस्ट मैच में बांग्लादेश को चौथी बार किया इनिंग्स में। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। श्रेयस अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े। शाहिद अफरीदी सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंटरिम चीफ सिलेक्टर बने अब्दुल रजाक और राव इख्तार अंजुम देंगे साथ। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में टीम से बाहर हो सकते हैं KL राहुल। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने पर भी संशय। हार्दिक पांड्या कप्तानी करते आएंगे नजर। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा वर्ल्ड कप हॉकी का टूर्नामेंट। फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने कप्तानी में इंडिया ने की 18 सदस्यीय। दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में वेयर हाउस में रखी जा रही लाशें। सरकार डेली केस रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। निट्टे को जिंदा करने की पाकिस्तान रच रहा साजिश। NIA ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। तमीली ले रहे थे राष्ट्रवाद का सहारा। तालिबान का नया फरमान हिजाब नहीं पहनती। इस्लामी वैल्यूज को नहीं मानेगा तालिबान। NGO से महिलाओं को किया बाहर। धूमधाम से मनाई गई पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। चीन से निपटने की तैयारी में भारत। रूस से मिलेगा 3रा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जनवरी फरवरी में शुरू होगी सप्लाई। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। ब्रिटिश PM ने पब्लिक सर्वेंट को फोन पर दी बधाई। UAE एयरलाइंस के प्लेन ने पहनी सेंटा कैप। पंजाब हरियाणा समेत 11 राज्यों में शीतलहर। श्रीनगर में चिलकला का दौरा पारा माइनस में। दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। नए भारत में भुखमरी बेरोजगारी सर उठा रही है। PM मोदी को राष्ट्रपति कहना उनका अपमान। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का दावा अफगानिस्तान से सुरक्षा के लिए हमें फंड्स देना चाहता है अमेरिका। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए अमेरिका देना चाहता है फंड। देश में कोरोना का खतरा। आगरा में चीन से लौटा कारोबारी संक्रमित। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय में प्रोजेक्ट समय के पीछे रेलवे के 111 और पेट्रोलियम क्षेत्र के प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हुए।